नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। दिल्ली और फिर पंजाब में सफल राजनीतिक पारी खेलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल अब गुजरात के मैदान में पूरे दमखम के साथ नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात में ऑटो की सवारी की है। इस दौरान उनको ऐसा करने से गुजरात पुलिस रोक रही थी, जिसके बाद जमकर बवाल भी देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात में अपनी सियासी जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ऑटो चालकों को अपना चुनावी हथियार बनाया है। केजरीवाल ने गुजरात में ऑटो कैंपेन की शुरुआत की है। कैंपेन की शुरुआत के साथ ही केजरीवाल ने ऑटो चालकों से बातचीत की। बातचीत के दौरान ही एक ऑटो ड्राइवर ने खुद को उनका फैन बताते हुए अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण के साथ ही ड्राइवर ने सवाल भरे लहजे में पूछा कि क्या आप हमारे यहाँ भोजन पर आएंगे, जिसके बाद केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए पूछे गए सवाल पर हामी भरी। केजरीवाल जब ऑटो ड्राइवर के नियोते पर उसके घर जाने की तैयारी में थे, तभी गुजरात पुलिस ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा। दरअसल केजरीवाल ऑटो में सवार होकर ड्राइवर के घर जा रहे थे, तभी गुजरात पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए केजरीवाल को रोका, जिस पर जमकर बवाल भी हुआ। बवाल के बीच केजरीवाल ने साफ कहा कि उन्हें गुजरात पुलिस की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जबरदस्ती कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता है। सीएम केजरीवाल का ऑटो चालकों से पुराना नाता रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो चुनावी जीत की कुंजी के तौर पर चालकों ने अपनी भूमिका निभाई है, फिर वो चाहे 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या फिर पंजाब चुनाव। यही वजह है कि गुजरात में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे केजरीवाल ने ऑटो चालकों को अपना सहारा बनाया है और गुजरात में ऑटो कैंपेन की शुरुआत की है। बात अगर दिल्ली की करें तो केजरीवाल ने भी चुनाव जीतने के बाद ऑटो चालकों को बड़ी राहत दी थी, फिर वो चाहे 600 रुपए लगने वाले रजिस्ट्रेशन चार्ज को माफ करना हो या फिर ऑटो रजिस्ट्रेशन फीस को 1000 रुपए से 300 रुपए करना हो। यही वजह है कि ऑटो चालक लगातार अपना समर्थन सीएम केजरीवाल को देते आ रहे हैं। बहरहाल गुजरात में लंबे समय से बीजेपी का दबदबा रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता यहां से अपना जुड़ाव रखते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के सीएम रह चुके हैं, यानी मुकाबला जबरदस्त है। अब देखना यह होगा कि क्या केजरीवाल ऑटो कैंपेन के माध्यम से गुजरात में बदलाव की हवा चलाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।